नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे मेहदावल से मिला हुआ है। मेहदावल थाना और ज़िला दोस्तों संत कबीर नगर पड़ता है और बस्ती से तकरीबन दोस्तों 60 किलोमीटर के दूरी पे पड़ेगा। और जो ये माता श्री खड़ी है, इनके घर में कोई जहरीला सांप दिखा हुआ है। वहाँ पर गोठरी क्या रखा हुआ है, वहाँ पर गोईठा रखा हुआ है। तो आज करीबन एक महीने से वहाँ पर केचुल देख रहे हैं। केचुल देखने के बाद इनको घर में दहशत सा माहौल हो गया, क्योंकि वो जब केचुल देखा तो इन्होंने घर वालों को जब बताया तो घर वाले काफ़ी परेशान हुए। तो जब उन्होंने देखा तो हमारे पास फ़ोन किया, तो मौके पर उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं। अब इनसे पूछते तो अपना नाम बताएं पहले आप। सांप कितना दिन हो गया देखे हो अपने अपने घर में? एक महीने के दिन देख ले। अच्छा अच्छा, तो जहाँ पर आप सांप देखे हैं चलकर हमें बताएं। चलिए बताइए हमें। तो आइए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। घर के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। और दोस्तों ये जिला संत कबीर नगर पड़ता है। और अब चलकर देखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों यही वो घर है जिस घर के अंदर सांप देखा गया है। तो अब चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को निकाल कर दिखाते हैं। और फाइनली दोस्तों घर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बक्स का और ये डेहरी वेहरी सब रखा हुआ है। और जो गोठिया रखा है दोस्तों, गोठिया यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको हमारे यहाँ दोस्तों कंडी बोलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है, इसी के अंदर दोस्तों केचुल भी दिखता है। आपको केचुल दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं वहाँ पर केचुल दिखा है, केचुल रखा है। अरे वो क्या बोलते, छोड़ा हुआ है सांप। और ये दोस्तों काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, इसी के अंदर जब केचुल देखा गया तो घर वाले जब देखे तो डर गए। उसके बाद फिर हमारे पास फ़ोन किए। तो आपको हमारा नंबर कैसे मिला? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मतलब दूसरे से आपको हमारा नंबर मिला है। चलिए ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए आप। देख करके दोस्तों खुद समझ सकते हैं कि घर की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। ऐसे में कि दोस्तों क्या रहता है, कोई इधर आता जाता, और आने की क्या बात, आएंगे ज़रूर। यहाँ पर डेयरी में अनाज रखा हुआ है, उधर चावल इधर गेहूँ रखा हुआ, अगर आएंगे लेने के लिए तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने भोजन के तलाश में घरों में आते हैं। और आने के बाद जब उनके ऊपर पैर या हाथ पड़ता है तो बाइट कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप कंडी को हटाया जा रहा है। और हटाने के बाद दोस्तों इस सांप को दिखाएंगे कौन सा सांप है वो। हटाओ हटाओ हटाओ, और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली ये हटाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं कौन सा सांप है वो। और वीडियो को अभी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दें, कहाँ से वीडियो हमारा आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को दिखाना चाहेंगे ये केचुल दोस्तों हमें दिख चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कितना डेंजर इसका केचुल है, कितना बड़ा है, कितना बिग साइज का सांप हो सकता है दोस्तों। ये आप लोग दिख सकते हैं, हाँ बैठा है ये बाबा। आओ बाबा चढ़ो, कहाँ पर दिख रहा है? हाँ है, गुलिया बैठा। एक सेकंड मुझे देखने दो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठा हुआ है। और दोस्तों ये धामिन सांप है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली अब सांप को पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ढेरों सारा कंडी रखा हुआ है। इधर गया, कंडी को हटाओ फिर।
चढ़ो चढ़ो उधर चढ़ो। एक टार्च और देना। गिराओ गिराओ फटाफट गिराओ। मेरे ऊपर मत फेंकना, मेरे ऊपर मत फेंकना। लाइट दोस्तों हाथ में आ चुका है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। हम लकड़ी ना बजाए दिए, नहीं तो वो रुन लकड़ी लटका है। चल पकड़, हम कहाँ पकड़े, लेके उतरे हैं। चलो चलो मिल गया, चलो चलो चलो। दोस्तों सांप फाइनली मिल चुका है, अब इसको दोस्तों लेकर चलते हैं बाहर। चलो चलो तुम बाहर चलो, मैं पीछे आता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कैसा अटैक कर रहा है ये। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी संख्या में दोस्तों यहां पर लोग जुटे हुए हैं सांप को देखने के लिए। और दोस्तों इस सांप के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे, तब जाकर ये हाथ में आया है। अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़फूंक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप है, हमारे हैं दोस्तों इसको धमिना और अलग अलग राज्यों में दोस्तों इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको घोड़ा पिछाड़ किसान मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप है। और लोग ऐसा भी अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि इसके पूछ मारने से कनर के गिर जाता है, लेकिन दोस्तों ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों भागने में बहुत स्पर्ट होता है ये दोस्तों, और तकरीबन ये 7 से 8 फुट का है, ये इससे कम नहीं है। हाँ हाँ ऐसे तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इसको कर देते हैं पैक। अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, ठीक है। किसी झाड़ फूंक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि आए दिन अपने उत्तर प्रदेश, अपने बस्ती, अपने संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गोंडा, मतलब पूरा अखा इंडिया में किसी को अगर सांप काटता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ पैक करो। तो आप लोग से निवेदन है कि भाई झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़ना, सीधा जिला अस्पताल जाना, वहाँ पर इंडी वैनम लेना, ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फाइनली कर दिए हैं पैक, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग हमारा वीडियो संत कबीर नगर जिला से देख रहे हैं, मेहदावल से अगर देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को अपना नाम, अपना गांव का नाम, अपना एड्रेस शेयर लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।